हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है अभी दोपहर से, और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12, और बस थोड़ा देर पहले ही नहा कर आती जा रही हूँ। तो बाल भी आज धुले थे, सूख तो गए हैं, फिर भी अभी ठंडक सी लग रही है। खाना भी खा लिया, अब मैं जा रही हूँ, या तो छत में जाऊँगी, ऊपर अच्छी धूप है, या फिर गेट के बाहर भी काफ़ी अच्छी धूप है, सो बाहर ही जा रही हूँ। तो वैसे तो सूख गए हैं, लेकिन अंदर ना गीलापन है, ठंडक सी लग रही है, तो धूप लग जाएगी तो सही रहेगा। और ये देखिएगा, यहाँ पर दीदी ने कितनी सारी सब्जियां लगा रखी हैं। तो अभी तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ जहाँ चने का साग लगा हुआ है, तो इतनी सारी जगह में चने का साग ही लगा है। और कुछ कुछ जगह में, मतलब जैसे जगह छूट गई है, उस जगह का टूट गया है तो खाली जगह दिख रही है, नहीं तो इस साइड काफ़ी सारा लगा हुआ है और टूट भी चुका। और यहाँ धनिया लगी हुई है, कितनी सारी हरी भरी धनिया की पत्ती दिखाई दे रही है। गोभी लगा हुआ है, और जो मूली की फली होती है ना, सेंगरी बोलते हैं वो, ये लगे हुए हैं। काफ़ी सब्जियाँ लगी हैं, हरी सब्जियाँ जो सर्दी वाली होती हैं। इस साइड पालक और मेथी लगी हुई है पीछे, और साथ में बीच बीच में भथुआ भी लगा हुआ है, जो भथुआ होता है गेहूं के साथ में तो वैसे भी आ जाता है, लेकिन वैसे सब्जियों में निकल ही आते हैं कुछ पेड़। और इस साइड पालक मेथी ये सब लगी हुई है। और यहाँ पर भोलू अपनी एकेडमी में जाने के लिए तैयार हो रहा है, ये 3 बजे से जाता है, तो रेडी हो रहा है एकेडमी के लिए। और साथ ही साथ गोलू की भी ट्यूशन का टाइम हो रहा है, तो ये एकेडमी के लिए निकल जाएगा और वो वहीं से ट्यूशन के लिए निकल जाएगा, तो दोनों रेडी हो रहे हैं। और अब हो चुकी है अगले दिन की सुबह, यहाँ पर बन रही है सुबह की चाय, और वैसे तो एक बार बन चुकी है, दोबारा बन रही है, और सर्दियों के मौसम में तो यानी कितनी बार बन जाती है पता ही नहीं चलता। और अब दीदी हो चुकी है स्कूल के लिए तैयार, स्कूल निकलना है उन्हें, और टाइम से पहले ही निकलते हैं क्योंकि रास्ते में भी टाइम लग जाता है, तो रेडी हो चुकी है जाने के लिए। यहाँ पर मैं इसको कपड़े वगैरह मैंने शाम के चेंज किए हैं, अंदर की जो इनर वगैरह थी वो सब, क्योंकि अब इनका नहाना तो कभी कभार ही हुआ करेगा, फिर भी तो बीमार हो जाते इतना, मतलब नहलाया वगैरह भी नहीं जाता। और गुगु को तैयार करने के बाद में यहाँ पे बैग वगैरह सब सामान रखा है, और बस मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। ऑटो रिक्शा से निकल आए हैं बस स्टैंड के लिए, और ये देखो बस ऐसे जैसे ही रिक्शा बस इसमें किसी में भी बैठेंगे तो बस तुरंत से नींद आने लगती है। और हम लोग नदी की बस भी मिल गई है जो यहाँ से डायरेक्ट बरमथुरा करौली के लिए जाती है, तो बस हम लोग निकल चुके हैं मुरैना से अपने घर के लिए।
ये दो है ना, एक दाढ़ी वाले एक ये दाढ़ी वाले और एक वो चलाते हैं पतले पतले। तो वही गुलिया ही में खड़े समझे जब सामने जब बस नहीं आई थी, जब कोई नहीं होगा वहाँ पे, हमने देखा नहीं जब बस नहीं आई थी। अब हम घर पहुंच चुके हैं। देखो गुलाब के फूल देख के ना मन खुश हो जाता है। ले फिर ये चाबी मांग रहे थे तो मैंने कहा मैं तो इसको लिए हूँ, ये सो रहा है, और जब मैं बैग से उतार के निकाल लूंगी चाबी तब तक ये जाग जाएगा। तो ये चाबी दूर हो रहे थे बैग में, मिल नहीं रही थी। और ये सो रहा था तो इसको फिर सोने दिया है, इसको फिर से मैंने सुला दिया है ताकि आराम से सो ले। रास्ते में वैसे भी नहीं सो पाया अच्छे से। और अब हो चुका है रात का टाइम और यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना। रोटी तो बन चुकी है, दूध गर्म होने के लिए रख दिया है और मैं बैंगन का भरता बना रही हूँ। ये बोल रहे थे बैंगन का भरता बनाने के लिए, तो मैंने कहा चलो अच्छे ताजे ताजे बैंगन भी थे तो भरता बना लेते हैं। और ये श्याम को खिला रहे क्योंकि जग गया था, रो रहा था। अब सही आ रहा है, भरता भी बनकर हो चुका है तैयार। बहुत टेस्टी है खाने में।